हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सूरज कंप्यूटर से सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको डेल लैपटॉप के, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल हम पुराने लैपटॉप के बारे में आपको बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आपको आप कौन सा लैपटॉप किस तरह किस पर्पज़ से यूज कर सकते हैं। तो उसी वीडियो को हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज एक वीडियो और आपके सामने लाए हैं। ये डेल लैपटॉप है, डेल लैपटॉप की लैटिट्यूड सीरीज का ये लैपटॉप हमारे पास है। पहले हम अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप एक बार हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो अब हम आपके अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, हमारे जो ये डेल लैपटॉप होते हैं ये भी अच्छे होते हैं। डेल लैटिट्यूड जो कमर्शियल सीरीज होती है, हमने पिछले वीडियो में आपको लेनोवो थिंकपैड की मशीन के बारे में बताया था और आज हम आपको डेल की मशीन के बारे में बताते हैं। ये डेल का लैटिट्यूड मॉडल है E6320। ये 13 इंच में मशीन है, थोड़ा छोटा टाइप का मशीन है। आप ये देखोगे 13 इंच में मशीन है तो, और इसका कीपैड भी आप देखोगे थिंकपैड से यदि इसको कंपेयर करें तो ये उसी की टक्कर, आपस में दोनों एक दूसरे के ही कम्बिनेशन में बनी हुई मशीनें हैं। जैसा कि आपको पता ही है ये लैटिट्यूड 6220 जो 6320 जो मशीन है ये 13 इंच में होती है, वही ये कमर्शियल मशीन होती है ये भी। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि ये जो लैटिट्यूड और थिंकपैड मशीन होती है ये कमर्शियल यूज में ज़्यादा यूज होती है। और उसके बाद ये फिर हम इसको यदि घर के यूज में भी हम इसको यूज करना चाहें, घर के पर्पज में यूज करना चाहें, जैसा ऑनलाइन वीडियो ये आपको मैं आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में, जूम मीटिंग वगैरह में हम इसको यूज करना चाहें तो ये भी मशीन अच्छी होती है यूज करने के लिए। इसमें भी वही आपका देखोगे ये सब चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था थिंक पैड में, इसमें भी दो के ये होते हैं, इसका ट्रैक पैड में दो क्लिक होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। कीबोर्ड इसका कि इसके कीबोर्ड में भी आपका ये देखोगे टच होता है। ये मान के चलो आपका टच खराब हो जाता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, आपका टच पैड खराब हो गया तो ये फिर भी यहाँ से टच आपका काम करेगा, क्लिक वगैरह सब करता है। कीपैड इसका क्वेट्री कीपैड होता है, ये भी बड़ा अच्छा होता है, इसका पूरा फंक्शनल पूरा ये कीबोर्ड वगैरह अच्छे से काम करता है। इनबिल्ड ब्लूटूथ और वाईफाई होता है। कैमरा इसका 1 पिक्सल का होता है और HD में कैमरा होता है। थिंकपैड में HD में कैमरा नहीं आएगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लेनोवो थिंकपैड L412 में, तो उसमें नहीं है। ये लैटिट्यूड में इसमें ये कैमरा जो है बारे में, इसके में 3.5 mm का ये ऑडियो जैक होता है, सिंगल जैक होता है ये इसमें। और ये का फायदा क्या होता है इसका, आप जो फोन वाले हेडफोन भी होते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका माइक भी काम करेगा और स्पीकर भी काम करेंगे। इसमें एक VGA पोर्ट होता है, ये VGA पोर्ट पे आउटपुट के लिए होता है। VGA आप इसमें एक्सटर्नल स्क्रीन लगा सकते हैं कोई भी इस VGA पोर्ट के थ्रू। इसमें आप देखोगे एक दो USB होते हैं, एक USB इसका DVI USB होता है। इसमें एक LAN पोर्ट होता है, एक मिनी HDMI होता है। इसमें आपका एक और इसका फायदा है इस मशीन में, इसमें 9 सेल बैटरी होती है जिससे इसका बैकअप बढ़ जाता है। इसमें 3 से 4 घंटे के आसपास आपको बैकअप मिलता है। और इसमें मैं आपको क्या बताऊं कि इसका हार्ड डिस्क आप देखोगे बाहर से लगता है इसका हार्ड डिस्क, इसे आप यूजर खुद भी चेंज कर सकता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको यदि हार्ड डिस्क चेंज करना है तो यहाँ से स्क्रू खोल के ये हार्ड डिस्क बाहर में फिट हो जाएगा। और आपको इसमें ये बताया ये 13 इंच में होता है, थोड़ा स्लिम टाइप मशीन होती है, तो ये बहुत अच्छी मशीन होती है। इसको आप घर पे यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऑफिस वर्क भी इस पे आप अच्छे से कर सकते हैं। ये i3 4th जनरेशन में मशीन है, तो फोर्थ जनरेशन जो होती है ये कोर इसके बढ़ जाते हैं। i5 में जैसा 1st जनरेशन है तो उसके कोर कम होते हैं, i5 में 4th जनरेशन है तो उसके कोर बढ़ जाते हैं। रिफर्बिस मशीन आप खरीद सकते हो। रिफर्बिस मशीन में क्या होता है, ये आपका रिफर्बिस मशीन का आप यदि थोड़ा अपग्रेड करा लें, उसको हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा लें, जैसा 4GB में मशीन आ रही है 4GB की जगह 8GB करा लें, तो ये बहुत अच्छी मशीन परफॉर्मेंस करती है, आजकल की बहुत अच्छे से काम करती है। आपको नई मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको नई मशीन खरीदे, उससे अच्छा है कि आप 30 आज के टाइम में यदि मैं बात करूं i3 मशीन की, तो i3 मशीन 10th जनरेशन के आसपास आपको 40+ मिलेगी, 40 से 45 हज़ार। उससे अच्छा है आप एक रिफर्बिश मशीन खरीदो, कोई भी i3 i5, ये आपको 12 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाएगी। और बहुत थोड़े से पैसे लगाकर आप इस मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें SSD लगवा लें तो ये अपग्रेड हो जाएगी और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगी। अगर आप कोई भी पुराना लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप सूरज कंप्यूटर से संपर्क करें
और हमें बताएं कि आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमसे सलाह ले लें ख़रीदने से पहले। हमारे पास भी बहुत सारे पुराने लैपटॉप होते हैं, अगर आप लेना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।